दोस्तों, आज हमारा जो YouTube चैनल है धुलमऊ, उसमें हम एक प्रगतिशील और एक युवा किसान भादर परमार, जिनके खेत में आज मैं आया हुआ हूं और आज आपको उनके खेत में क्या क्या वो उगा रहे हैं, किस तरह की सब्जियां वो उगा रहे हैं, और एक प्रगतिशील किसान है। प्रगतिशील होने के साथ में एक प्रयत्नशील किसान भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक युवा होने के साथ में उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। और अभी आपको मैं पहले दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या क्या सब्जियाँ लगाई हुई है, और उन सब्जियों के माध्यम से आप देख सकते हो कि वो किस तरह से अपने एक छोटे से खेत में किस तरह का एक प्रयास कर रहे हैं और एक प्रगतिशील किसान बनने की ओर अग्रसर है। तो अभी देख सकते हैं आप, ये जो है ये धनिया लगाया हुआ है, हरा धनिया, जिसे इंग्लिश में कोरिएंडर बोलते हैं, हरा धनिया लगाया हुआ है। और ये इधर की साइड आप देख सकते हैं, मैं एक छोटी लकड़ी के साथ इससे दिखा रहा हूँ आपको कि ये सब अभी उन्होंने एक नया धनिया लगाया हुआ है। ये पूरी क्यारी में लगा हुआ है, ये पूरी एक क्यारी है, वहाँ तक एक क्यारी हो रही है। और उसके साथ में आप देख सकते हैं, एक, दो और तीन, ये जो तीन क्यारियाँ थी, इन तीनों क्यारियों में इन्होंने एक धनिए की खेती ही की हुई है, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है और इसमें धनिए का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है। तो उसी प्राइस को देखते हुए उन्होंने अपने खेत में धनिए की फसल लगाई हुई है। उसके साथ में अभी आप इधर भी देख सकते हो कि इधर अब बैंगन लगे हुए हैं, ये चौला फली बोलते हैं इसको, चौला फली लगी हुई है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ्लावरिंग भी हो रही है, और उसके साथ में ये देखिए छोटे छोटे ये फलियाँ भी लग रही है। मैं अपनी स्टिक के सहारे आपको दिखा रहा हूँ, और इन्होंने अभी तोड़ना भी शुरू कर दिया है, और उन्होंने तोड़ के और उसको वो बेच रहे हैं। हमारे पास की जो मंडी है वो उज्जैन मंडी, यहाँ के पास की मंडी उज्जैन मंडी आती है। तो मैं खास करके आज आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आजकल युवाओं को अपन देख रहे हैं कि युवाओं का जो रुचि जो है वो खेती से हटके और दूसरे कामों में आ रही है, लेकिन इसी दौर में, इसी समय में एक युवा जो प्रयत्नशील, बार बार मैं एक शब्द आपको यूज़ कर रहा हूँ कि प्रयत्नशील, ये प्रयत्नशील इसलिए है क्योंकि ये एक छोटा सा प्रयास है जो आगे जाके एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। इनका खेत भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे स्टिक से दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से रोड जा रहा है, और यहाँ पे उन्होंने ये वाली खेती जो है यहाँ पे शुरू की हुई है, जो कि वो पूरे समर जो गर्मी का जो सीज़न था वो पूरा उन्होंने इसमें लिया हुआ है। सब्जियाँ उनकी लगातार मंडी में सप्लाई हो रही थी। ये देखिए आप, वो अभी भी काम कर रहे हैं। और अब मैं आपको एक विशेष रूप से आपको बताऊँगा मैं कि अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, और 6:30 बजे जहाँ के आसपास के जो किसान हैं वो सब अपने घर पे चले गए हैं, लेकिन एक युवा किसान जो है वो अपने खेत में मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर आप पूरी ये भिंडी की फसल लगी हुई है, जिसमें कि उन्होंने पूरे समर वेकेशन में पूरे सप्लाई उनकी भिंडी की लगातार मंडी में रही है, जो कि मंडी में भी उन्होंने एक अच्छा सप्लाई कंटिन्यू रखने के लिए अलग अलग सब्जियों का वो जानकारी भी ले रहे हैं। तो एक उस किसान, जो युवा किसान है हमारे भादर परमार है, उनसे एक 2 मिनट के लिए अपन बात करेंगे, और एक थोड़ा कुछ अपन जानकारी लेंगे कि आखिर इस इतनी अच्छा जो काम कर रहे हैं वो किससे उन्होंने प्रेरणा ली हुई है, और इतना अच्छा काम करते करते उनको क्या लग रहा है, कैसा अनुभव आ रहा है युवा किसान। तो भादर जी, आज हम आपके खेत में आए हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है कि आज आपका एक, आप एक सामान्य किसान, युवा किसान होके और प्रयत्नशील किसान और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है, और हमारा जो चैनल है धुलमऊ में आप पहले किसान हैं जो कि मैं आपको अपने चैनल के ऊपर दिखा रहा हूं, तो आपको कैसा अनुभव आपका आ रहा है, मैं आपसे 2 शब्द सुनना चाहता हूं, और मेरे जो ऑडियंस, जो मेरे सब्सक्राइबर है वो भी आप देखना चाहते हैं, हमारे गाँव के ही सब्सक्राइबर है। हमारा उद्देश्य कोई इससे अर्निंग करना नहीं है, हमारा उद्देश्य हमारे गाँव को जो अच्छाइयाँ है हमारे गाँव की उनको दिखाना है सभी को। तो आपको कैसा अनुभव आ रहा है आपको? मुझे क्या है कि अच्छा लग रहा है आप ये फसल, मतलब साग सब्जी करने चाहता हूँ ना मैं, तो अच्छा लग रहा है मेरे को। ओके, तो अभी आप निरंतर ये जो सब्जियाँ लगाने का जो आप काम कर रहे हैं, मतलब फसल ये तैयार करी है मैंने, प्रयास कर रहा हूँ मैं। ओके, तो ये जो हमारा चैनल है धुलमऊ, जो हमारे सारे सब्सक्राइबर है, मेरे गांव वासी है, ग्रामवासी, आप भी मेरे ग्रामवासी में मेरे भाई है आप, तो उनकी सबकी तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में कितना अच्छा एक बंच है, देखिए ये पूरा धनिए का, हरे धनिए का एक बंच है। दोस्तों, ये कम से कम प्रयास कर रहे हैं कि इसके अंदर जो पेस्टिसाइड जो रहते हैं, कीटनाशक है, वो कम से कम यूज़ करें। और दोस्तों, ये किसान जैसे जैसे काम करते जाएगा, अच्छा काम करते जाएगा, वैसे वैसे हम इनके वीडियो देखेंगे, और बाकी के जो मेरे ग्रामवासी है जो कि अच्छा इस तरह से काम कर रहे हैं, जो कि 12 महीने अर्निंग चाहते हैं,
दिन रात मेहनत करना चाहते हैं, तो इनके भी वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक यू।